जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा फोर्थ में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा चार में आज हम पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के प्रश्नों के उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न पहला है हमारा कि पेड़ पौधों की देखभाल में करना पड़ता है। अब बच्चों प्रश्न क्या है हमारा, पेड़ पौधों की देखभाल में करना पड़ता है। अब हमें पेड़ पौधों की देखभाल में क्या क्या करना पड़ता है, तो ये हमें अ ब स द चार ऑप्शन है हमारे पास में। इन चारों में से जो सही हो उसे हमें उत्तर में लिखना है। ठीक है, तो पेड़ पौधों की देखभाल में करना पड़ता है अ में है पानी देना, ब में खाद देना, स में कटाई छटाई करना और द में है उपयुक्त सभी। तो बच्चों आपने पाठ में पढ़ा था पानी देना भी पेड़ पौधों की देखभाल में आवश्यक है, खाद देना भी पेड़ पौधों की देखभाल करने में आवश्यक होता है, कटाई छटाई करना ये भी जरूरी होता है पेड़ पौधों की देखभाल जब करते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। द में क्या है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का अर्थ है अ ब स, ये तीनों ही करने पड़ते हैं। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा हमारा उत्तर। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, द उपयुक्त सभी। पेड़ पौधों की देखभाल में हमें ये तीनों चीज़ करनी पड़ती हैं, क्या क्या, पानी देना, खाद देना, कटाई छटाई करना। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा, द उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या है 2, निम्न में से किस पेड़ की जड़ें बाहर भी होती हैं। अब प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, सेकंड प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस पेड़ की जड़ें बाहर भी होती हैं। अब बच्चों पाठ में आपको बताया था कि किस पेड़ की जड़ें बाहर होती हैं, एक ही पेड़ है जिसकी जड़ें बाहर भी दिखाई देती हैं, बाकी किसी पेड़ की जड़ें बाहर नहीं दिखाई देती है। सारे पेड़ पौधों की जड़ें कहाँ होती है, जमीन के अंदर। कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है। एक पेड़ है जिसकी जड़ें हमें जमीन से बाहर भी दिखाई देती हैं, और वो पेड़ कौन सा है, आम, नहीं आम नहीं है, बरगद, हाँ बरगद है, नीम, नीम के पेड़ में जड़ें नहीं दिखाई देती है, इमली का पेड़, नहीं इमली के पेड़ में भी जड़ें दिखाई नहीं देती है। तो एक ही पेड़ है बरगद, बरगद का जो पेड़ है उसकी जड़ें बाहर दिखाई देती हैं। ठीक है, और बरगद का पेड़ कौन क्या है, हमारे भारत का, हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद, और राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी, जैसे ही राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, तो प्रश्न है निम्न में से किस पेड़ की जड़ें बाहर भी होती हैं, तो उत्तर होगा हमारा सही ब। क्या उत्तर होगा, ब, ब में क्या है, बरगद, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि रेगिस्तानी पौधा है। अब प्रश्न 3 क्या है कि रेगिस्तानी पौधा है, रेगिस्तानी पौधा कौन सा है बच्चों। अ ब स द में से हमें सही ऑप्शन लिखना है। अ में है नागफनी, ब में है गुलाब, स में है अशोक और द में है मनी प्लांट। ठीक है, अ में क्या है, नागफनी, हाँ नागफनी क्या है, रेगिस्तानी पौधा है। गुलाब, गुलाब कहीं पर भी हो सकता है, रेगिस्तान में भी हो सकता है और दूसरे इलाकों में भी हो सकता है, पर नागफनी है जो रेगिस्तानी इलाके में ही होती है। तो रेगिस्तानी पौधा कौन सा हो गया बच्चों, अ नागफनी। ठीक है, ये कम पानी में भी पनप जाता है अपने आप से, इसको इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और जो नागफनी होता है वो क्या करता है, आसपास के इलाकों का पानी, आसपास की फसलों का पानी भी क्या करता है, खुद अवशोषित कर लेता है। तो रेगिस्तानी पौधा कौन सा हो गया बच्चों, अ नागफनी। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न संख्या 4 है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अब अभी ऊपर के प्रश्न में हमने क्या पढ़ा था कि किस पेड़ की जड़ें बाहर दिखाई देती है, तो अभी बताया था कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद था। अब प्रश्न आ गया हमारा कि राज्य वृक्ष है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो अ में है नीम, ब में है बरगद, स में है खेजड़ी और द में है नागफनी। तो नीम है, नहीं है ना राज्य वृक्ष, बरगद, बरगद तो राष्ट्रीय वृक्ष है, राज्य वृक्ष नहीं है, फिर बचा खेजड़ी, तो हाँ खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, नागफनी, नागफनी भी राज्य वृक्ष नहीं है। तो हमारा उत्तर सही कौन सा है, स खेजड़ी। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है बच्चों, खेजड़ी, तो उत्तर में हमने लिख दिया स खेजड़ी। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है 5वां, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। प्रश्न 5 क्या है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, अ में है पीपल, ब में है बरगद, स में है आम
और द में है खेजड़ी। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। अभी ऊपर के वीडियो अभी ऊपर बताया था, ऊपर के प्रश्न में हमने कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, जिसकी जड़ें बाहर भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो गया? बरगद का पेड़। ठीक है, तो ब सही हो गया, ब को हमने लिख दिया उत्तर में। फिर हमारा प्रश्न है छठा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न छह क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले ही रिक्त स्थान है हमारे पास में, पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेड़ पौधों के भूमि के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं, और जमीन के भूमि के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? तना कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को तना कहते हैं, जमीन के पेड़ पौधों के जमीन से ऊपर के हिस्से को तो कहते हैं तना, और जमीन के अंदर भूमि के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। ऐसे ही दूसरी खाली जगह है, भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होता है, भूमि के अंदर वाला मुख्य भाग जड़, और भूमि के ऊपर वाला, भूमि के बाहर जो दिखाई देता है वो भाग क्या होता है? तना। तो भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होता है। पेड़ पौधे वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। अब शुद्ध कैसे करते हैं? शुद्ध ऐसे करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो विषैली गैस होती है, जो हमारे लिए हानिकारक गैस होती है, वो गैस को क्या करते हैं? पेड़ पौधे खुद लेते हैं। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खुद अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन गैस हमारे लिए लाभदायक है ना। तो पेड़ पौधे वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस खुद में लेते हैं और उसको शुद्ध करके ऑक्सीजन गैस हमें देते हैं, बाहर छोड़ते हैं, वो क्या ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। आजकल प्रदूषण इतना बढ़ गया है बच्चों कि विषैली गैसें बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं और पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए हमें सांस लेने में तकलीफ, कैंसर आदि बीमारियाँ होती जा रही है। तो हमें अगर बीमारियों से बचना है, वायु को शुद्ध रखना है, तो हमें अधिक से अधिक संख्या में क्या करना होगा? पेड़ों को लगाना होगा, ताकि पेड़ हमें विषैली गैसों को शुद्ध करके हमें ऑक्सीजन दे सके। ठीक है, तो पेड़ पौधे वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। खाली जगह में क्या आएगा? शुद्ध। फिर चौथी खाली जगह है कि पेड़ पौधे खाली जगह के कटाव को रोकते हैं। अब पेड़ पौधे किसके कटाव को रोकते हैं? तो पेड़ पौधे जमीन के कटाव को रोकते हैं, जो मिट्टी होती है उसको पेड़ पौधे रोकते हैं। अब कैसे रोकते हैं मिट्टी को? जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, वो जड़ें मिट्टी को जकड़ लेती है ना। तो मिट्टी को जकड़ने से मिट्टी कैसी हो गई? थोड़ी कठोर हो गई। तो कठोर मिट्टी पानी के साथ एकदम से नहीं बहती, बहुत तेज बहाव होता है तो ही पानी के साथ बह जाएगी, अन्यथा एकदम से पानी के साथ नहीं बहेगी। तो पेड़ पौधे जमीन के कटाव को भी रोकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से पेड़ पौधों का फायदा हो गया। तो हमें अधिक से अधिक, आपने देखा होगा खेतों की जो बाढ़ होती है उसके आसपास में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? कि पानी के बहाव से मिट्टी का कटाव ना हो, और आंधियों, धूल भरी आंधियों में भी वो मिट्टी वहाँ से हटे नहीं। ठीक है, फिर है पांचवी खाली जगह कि पेड़ पौधों में अधिक पानी देने से वे गल जाते हैं। सही बात है बच्चों, अगर हम पेड़ पौधों में अधिक पानी देंगे तो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो गल जाएगी, है ना। तो ये हो गए हमारे आज के प्रश्न उत्तर। आगे के प्रश्न उत्तर का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।